रमजान के महीने में क्या होता है, अक्सर लोग अपने वक्त को जाया करते, इस मामले में बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। एक एक सेकंड की अहमियत है रमजान में, वरना उसी हदीस को याद रख लो आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर चढ़ रहे थे ना, बद्दुआ देने वाले कौन थे, फरिश्तों के सरदार बद्दुआ दे रहे हैं, फरिश्तों के सरदार, आमीन बोलने वाले कौन है, नबियों के सरदार आमीन कह रहे। हलाक हो जाए वो शख्स जो रमजान के महीने को पा लिया लेकिन अपनी मगफिरत नहीं करवा ली। जो बंदा रमजान के महीने को पाने के बावजूद भी क्या है, अपनी मगफिरत नहीं करवाता, उस बंदे के ऊपर फरिश्तों का सरदार लानत भेज रहा है, हलाकत की बद्दुआ दे रहा है। तो आमीन कहने वाले कौन, नबियों के सरदार आमीन कह रहे हैं। तो ये रमजान के एक एक सेकंड में आपकी गुनाहों की मगफिरत करवा लेनी चाहिए थी, आपको गुनाहों की बख्शिश करवा लेनी चाहिए थी, खूब इबादतें करके अल्लाह को राजी करवा लेना चाहिए था। लेकिन हम रमजान के महीने को फजूल में, फजूल कामों में, फजूल कामों में वक्त को बर्बाद करते हैं।